शारजापुर नाम के गांव में श्याम नाम का हलवाई रहा करता था। घर में उसकी पत्नी राधा, बड़ा बेटा अनिल और बेटी रश्मि रहा करती थी। श्याम के दुकान के पास पड़ोसी रघु का ठेला लगा करता था। वो भी अलग अलग किस्म के पदार्थ बनाकर बेचा करता था। श्याम को उसकी पत्नी राधा उसके काम में बहुत मदद किया करती थी और साथ ही में वो घर गृहस्थी भी संभाला करती थी। एक दिन श्याम के दुकान पर उसका बेटा अनिल आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल में पहला नंबर आया है। सच में बेटा, ये लो तुम कचौरी और जलेबी खाओ। पिताजी इसका अव्वल नंबर आया तो आप इसे कचौरियाँ दे रहे हो और मेरा अव्वल नंबर आया तो मुझे कोई पूछता ही नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरी राजकुमारी के नंबर भी कभी कम आ सकते हैं क्या? मुझे इस अनिल से ज्यादा चाहिए। अच्छा ले लो, मगर मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम पिताजी? माँ को बोलना 5 किलो गुलाब जामुन बनाकर तैयार रखना। अब दोनों बच्चे कचौरी और जलेबी खाकर घर चले जाते हैं। रघु की लड़की प्रिया भी उन दोनों के साथ पढ़ा करती थी, मगर शाम की तरक्की और उसके बच्चों का अव्वल नंबर आता देख रघु बहुत जलता था। उसी दिन राधा राशन लाने के लिए बाजार जाती है। बहुत तेज धूप होने के कारण राधा को चक्कर आ जाता है और वो एक जगह पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो घर जाने के लिए निकलती है। अब राधा घर पहुंचकर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद राधा के बच्चे घर पर आते हैं और राधा को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ है माँ तुम्हें? बेटा चक्कर आ गया था, जरा फैन लगा दो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। लगाया माँ फैन, उस फैन की हवा भी नहीं लगती। राधा और अनिल अपनी माँ को पेपर से हवा देते हैं। थोड़ी देर बाद शाम घर आता है। क्या हुआ है तुम्हें राधा, ऐसे लेटी हुई हो? मुझे जरा चक्कर आ गया था इसीलिए लेटी हूँ। अरे जरा उठो, वो 5 किलो गुलाब जामुन बनाने हैं, चलो। तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें गुलाब जामुन की पड़ी है। ये फैन है कि हवा नहीं फेंकता, तुम्हें बोला तो तुम कूलर भी नहीं ले आते। अरे ठीक है भाग्यवान, कल ही कूलर ले आता हूँ। अगले ही दिन शाम उसके घर एक नया कूलर लेकर आता है। उसकी पत्नी अब खुश होकर उसके दुकान के सारे काम कूलर के सामने बैठकर करने लगी। अब राधा और शाम बहुत खुश रहने लगे। ऐसे ही एक दिन उनका पड़ोसी रघु उनके घर आता है। अरे तेवर तो देखो इन गरीबों के, कूलर लाए हैं घर में। अरे आओ रघु, कैसे आना हुआ? अरे दोस्त तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा बैठो, ये लो चाय। धन्यवाद दोस्त, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। अरे शाम, ये इतना महंगा कूलर कैसे लिया तुमने? अरे राधा को काम करने में बहुत कठिनाइयां आ रही थी, इसीलिए कूलर ले लिया। अच्छा सही किया भाई, चलो मैं चलता हूँ। रघु शाम के घर से निकलकर मन ही मन जलता है और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह उठकर वो एक मच्छर मारने का स्प्रे लेता है और शाम की बनाई कचौरी और जलेबी पर डाल देता है। हर रोज की तरह लोग उसकी दुकान पर भीड़ करते हैं। बहुत सारे लोग कचौरी और जलेबी खरीद कर खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, कुछ लोगों को उल्टियां होने लगती है। अब लोग शाम से सवाल पूछने लगते हैं और गुस्से में आकर शाम को बहुत मारने लगते हैं। लोग शाम की इतनी मार पिटाई करते हैं कि वो सीधा अस्पताल जाता है। कुछ लोग ये खबर राधा को देते हैं। अरे राधा, श्याम भाई साहब को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है, अब उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। राधा ये खबर सुनकर बहुत रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। राधा सीधे हॉस्पिटल में चली जाती है। अजी ये क्या हुआ है, आपको गांव के लोगों ने क्यों मारा? श्याम इस सदमे से कोमा में चला जाता है, लेकिन राधा के पास उसका इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते। अब राधा मायूस होकर घर चली आती है। राधा को देख उसके बच्चे उससे पूछते हैं, माँ पिताजी कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? पिताजी को डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, इसीलिए वो अस्पताल में आराम कर रहे हैं। अब तुम सब सो जाओ। राधा बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है और रात के समय सोचते सोचते रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, राधा राधा रो नहीं। कौन है? राधा मैंने तुम्हें आवाज दिया है, मैं कूलर हूँ, एक जादुई कूलर। पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है। हे जादुई कूलर, मेरे पति के साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है। उन्हें लोगों ने बहुत मारा है जिसकी वजह से वो कोमा में है, और उनका इलाज करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ जादुई कूलर? राधा पहले रोना बंद करो। कूलर उसके सामने 1 लाख रुपए रख देता है और उसे राधा को लेने के लिए कहता है। ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ, ये मेरे नहीं है। मैं गरीबों की मदद करता हूँ इसलिए तुम्हें ये दे रहा हूँ, इसे लेकर तुम शाम का इलाज करना। राधा कूलर को धन्यवाद देकर वो पैसे ले लेती है और शाम को अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका इलाज करवाती है।
कुछ दिनों बाद श्याम ठीक हो जाता है और घर आता है। अब कूलर फिर से उसे 1,00,000 रुपए देता है नया धंधा शुरू करने के लिए। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आपने हमारी जो सहायता की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छे काम के लिए है, तुम ले लो। अगले दिन रघु को उस जादुई कूलर की बात पता चलती है और वो उस कूलर को चुराने का विचार मन में लाता है। उसी रात रघु वो कूलर चुरा लेता है और अपने घर ले जाकर छुपा देता है। अच्छा हुआ अब ये कूलर हमारे घर आ गया, अब मैं जितना चाहूँ उतना पैसा कमा सकता हूँ। हे जादुई कूलर, मुझे 1,00,000 रुपए दे दे। जादुई कूलर से पैसे मांगते ही उस कूलर से धुआं निकलना शुरू होता है। रघु का पूरा घर धुएं से भर जाता है और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ये क्या हो रहा है, जादुई कूलर से पैसे की वजह धुआं क्यों निकल रहा है? लालची रघु, अगर तुमने खुद जाकर श्याम से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि क्या हुआ है। मुझे सब पता है कि तूने मच्छर मारने की दवा मिठाइयों पर डालकर लोगों को बीमार किया है। अब तू बताता है या फिर मैं बताऊँ? नहीं नहीं, मैं सब सच सच बता दूंगा, मैं माफी भी मांगूंगा। अब रघु श्याम के घर कूलर लेकर जाता है और श्याम से घटा पूरा किस्सा विस्तार से बताता है। अरे हमारा कूलर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं इसे चुरा कर अपने घर ले गया था और इस कूलर ने मेरी आंखें खोल दी। ये सब मेरा किया कराया है, तू जो चाहे वो सजा मुझे दे सकता है। मगर तूने ऐसा क्यों किया? मैं लालच में आ गया था और तुझसे जलता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। श्याम पुलिस कंप्लेंट करके रघु को अपने किए की सजा दिलवाता है और अपने घर आए हुए जादुई कूलर का धन्यवाद करता है। हे जादुई कूलर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मेरा घर और मेरी तबीयत सही सलामत है। श्याम और उसकी पत्नी उस जादुई कूलर की सहायता से घर के सारे काम करते हैं और इतना ही नहीं वो गांव के सभी गरीबों की मदद भी करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए, जो करना है वो अपने बलबूते पर करना चाहिए। जमशेदपुर नाम के राज्य में राम नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी रजनी और पहली पत्नी की बेटी राधा और रजनी की बेटी दिशा घर में रहा करती थी। राम कड़ी मेहनत किया करता था। पत्नी रजनी उसकी बेटी दिशा का अच्छा लालन पोषण किया करती थी, लेकिन राधा का हमेशा तिरस्कार करती थी क्योंकि वो सौतेली लड़की थी। ये बात राम के नजर में आती, मगर वो कुछ बोलता तो दोनों के बीच हमेशा झगड़ा हो जाता और ये बात राधा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने पिता को हमेशा समझाती और उन्हें चुप रहने कहती। आप मेरे साथ हो ना, फिर माँ से क्यों झगड़ा करते हो? अरे वो तुमसे सौतेला व्यवहार करती है, उसे अकल नहीं है कि तुम कितनी अच्छी हो। आप माँ से लड़ते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लड़ूंगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद राम जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने जाता है। बारिश का मौसम होता है। जंगल जाने के बाद जोर की बारिश होने लगती है, बिजलियाँ कड़कने लगती है और दुर्भाग्य से एक कड़कती बिजली राम के ऊपर गिर कर राम की मौत हो जाती है। अब उसके परिवार को चलाने के लिए कोई नहीं रहता और सारी जिम्मेदारी राधा के सिर पर आ जाती है। राधा अब घर के सारे काम करने लगी और बाहर कुछ काम मिले तो वो भी करने लगी। इस सब के बावजूद रजनी उससे सौतेला व्यवहार ही करती थी, लेकिन बेचारी राधा चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी। काम करते समय अगर उससे कुछ गलती हो गई तो उसकी माँ उसे सजा देती थी। ऐसे ही एक दिन राधा आंगन में काम कर रही थी, उसकी माँ ने उसे आवाज दिया। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई, ये काम कौन करेगा? आई माँ, अरे जल्दी आ, क्या कर रही है? हाँ माँ बोलो, क्या काम है? ये यहाँ पड़े कपड़े ऐसे ही पड़े रहने देने वाली है क्या? तुझे कपड़े नहीं धोने हैं क्या? जी माँ वो रह गया, अभी करती हूँ। राधा अब कपड़े धोने बैठती है और कपड़े धोते धोते बहुत रोने लगती है। कपड़े धोने के बाद वो घर में चली जाती है। घर में जाते ही रजनी उसे बहुत भला बुरा कहती है। इतनी देर काम कर रही हो, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत काम देती है। अब जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। अब दिशा और रजनी एक जगह बैठकर गप्पे मारने लगते हैं और कुछ काम नहीं करते। ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपना काम चुपचाप करने लगती है। ऐसे ही एक दिन राधा आंगन में कुछ लकड़ियाँ काट रही थी और तभी उसके हाथ में चोट लग गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ आई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? उसके हाथ में खून देख दिशा बोलती है, दीदी को कुछ लगा है? अरे कुछ नहीं हुआ है, काम करने में उतनी छूट मिल जाती है, इसीलिए ये नाटक कर रही है। और ऐसा कहकर रजनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिशा उसे हल्दी लगाती है। धन्यवाद दिशा। अब दिशा वहाँ से चली जाती है और राधा अपनी माँ की याद निकाल कर रोने लगती है।
अगले दिन राधा फिर से काम करने लगती है। उसके हाथ में बहुत दर्द होता है, फिर भी वो काम करती ही रहती है। वो कुएं में से पानी निकालने जाती है और गलती से उसके हाथ से बाल्टी पानी में गिर जाती है। जोर से आवाज होती है, वो आवाज सुनकर रजनी बाहर आती है। क्या हुआ कलमुही, अब क्या नुकसान किया तूने? मेरा तो तू नुकसान ही कर रही है। कुछ नहीं माँ, हाथ से बाल्टी गिर गई और कर नुकसान। जा चल बाल्टी निकाल कर ला। मुझे तैरना नहीं आता माँ, मुझे डर लगता है पानी से, मैं नहीं जाऊंगी। तू मुझे क्या पागल समझी है क्या? राधा बहुत रोने लगती है, फिर भी उसकी माँ उसे बहुत भला बुरा कहती है और अगर बाल्टी नहीं मिली तो घर में ना आने के लिए बोलती है। अब राधा के सामने कुएं में कूदने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। वो भगवान का नाम लेती है और एक रस्सी की मदद से कुएं में उतरने लगती है। वो बहुत गहराई तक पानी में उतरती है मगर उसे कोई बाल्टी नजर नहीं आती। वो और अंदर जाती है, अनजाने में वो एक सुंदर तालाब में आ जाती है। वो तालाब से बाहर निकलती है और उस तालाब के बाहर की दुनिया देखकर बहुत खुश हो जाती है। बाहर निकलने के बाद वहाँ के रास्ते पर उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है जो रो रहा था। राधा उस पेड़ के पास जाती है और उससे बात करती है। हे सेब के पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? बेटी, मेरा यह पेड़ सेब के वजन से झुक गया है और मेरी टहनियाँ भी झुक गई है। इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझ पर लगे इन सेब को निकालोगी? क्यों नहीं पेड़, मैं अभी निकाल देती हूँ। ऐसा कहकर राधा उस पेड़ से सारे सेब निकाल लेती है। अब वो पेड़ बहुत हल्का महसूस करता है और राधा से कहता है, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, अब मुझे हल्का हल्का महसूस हो रहा है। बेटी तुम अब इस रास्ते से आगे जाओ। राधा उस पेड़ को धन्यवाद देके आगे बढ़ती है। आगे बढ़कर उसे एक गाय दिखाई देती है जो लंगड़ कर चल रही थी। वो गाय लंगड़ते हुए उसके पास आई और राधा से कहा, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? हाँ करूंगी ना, बताओ क्या मदद करूँ मैं आपकी? मेरे पैर में कांटा चुभा है, क्या उसे निकाल दोगी? बहुत मदद होगी तुम्हारी। हाँ मैं निकाल देती हूँ। राधा गाय के पैर से कांटा निकाल देती है। कांटा निकालते ही गाय को बहुत अच्छा लगता है और गाय उसे आशीर्वाद देती है। मुझे मदद करने के लिए धन्यवाद बेटी, अब तुम आगे जा सकती हो, पर अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। अब राधा उस गाय के बताए मुताबिक एक पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। चढ़ते चढ़ते रास्ते में उसे एक जंगल लगता है जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं। तभी एक चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठती है और उससे बातें करने लगती है। लड़की तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? कुएं में मेरी बाल्टी गिर गई थी, इसीलिए उसे लाने के लिए मैं पानी में कूद गई और यहाँ आ पहुँची। यहाँ की दुनिया तो बड़ी ही अनोखी है, यहाँ के सारे प्राणी बोलते हैं क्या? हाँ यहाँ के सारे जानवर बोल सकते हैं और अपने मुताबिक जी भी सकते हैं। इस जंगल को भगवान का आशीर्वाद मिला है, तुम अब आगे जाओ। ठीक है। अब चिड़िया जैसा बताती है वैसा ही राधा करती है। आगे जाकर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जो घास से बनी हुई थी। राधा उस झोपड़ी के पास जाती है और उसका दरवाजा ठकठकाती है। तभी अंदर से एक बूढ़ी दादी बाहर आती है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं इस जंगल में तालाब से आई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगी? मैं तुम्हें खाना दूंगी मगर उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा मुझे? तुम्हें घर की साफ सफाई करनी होगी और साथ ही साथ खाना भी बनाना होगा। हाँ मैं कर लूंगी दादी, मुझे ये सारे काम आते हैं। दादी मैं ये सारे काम करूंगी। दादी उसे खाने के लिए खाना देती है और राधा अब दादी के साथ ही उस झोपड़ी में रहने लगी। वो घर के सारे काम करने लगी और दादी को भी उससे लगाव होने लगा। ऐसे ही एक दिन राधा जंगल में घूम रही थी, वहाँ उसे एक सुंदर राजकुमार दिखाई दिया और देखते ही उसे वो पसंद आ गया। अब राधा बस उस राजकुमार के ही सपने देखने लगी। क्या सोच रही हो बेटी, तुम कुछ खोई खोई सी हो। दादी आज मैंने जंगल में एक राजकुमार को देखा जो बहुत ही खूबसूरत है। बेटी वो इस राज्य के राजा का बेटा है, वो बहुत ही दयालु और दिलदार है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा को अपने माँ की बहुत याद आने लगती है। वो ये बात दादी को बताती है और दादी उसे एक झरने के पास लेकर जाती है। राधा बेटी तुम इस झरने से तुम्हारे घर पहुँच जाओगी, ये लो तुम्हारी बाल्टी, ये तो सोने से भरी हुई है। राधा झरने के नीचे खड़ी रहती है और उसके बदन पर सोने के आभूषण आ जाते हैं। दादी ये किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है, अब ये झरना तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगा। ऐसा कहते ही राधा वहाँ से गायब हो गई और अपने माँ के घर लौट आई।
माँ माँ देखो, ये तो राधा है ना, इसके बदन पर कितने आभूषण है, देखो सब सोने के लगते हैं। रजनी भी वहाँ आ जाती है और राधा से पूछताछ करती है। राधा सब सच बता देती है। अब उसकी माँ लालच में आकर अपनी बेटी दिशा से कहती है, बेटा दिशा, तू भी उस कुएं से उस जंगल में जा और जल्दी से सोना लेकर आ। जी माँ, अभी जाती हूँ। अब दिशा उस कुएं में कूद जाती है और तालाब से बाहर निकलती है। वो राधा ने बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। उसे भी रास्ते में वो सेब का पेड़ दिखाई देता है। बेटी, मेरे पेड़ के सेब निकाल दोगी? मुझे सोना चाहिए, मैं तुम्हारे पेड़ के सेब तोड़ने नहीं आई हूँ। ऐसा कह के दिशा उस पेड़ को वैसा ही छोड़ के आगे चली जाती है। अब आगे उसे रास्ते पर वो लंगड़ी गाय मिलती है। गाय उससे कहती है, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। ऐसा कह के दिशा वहाँ से भी चली जाती है। आगे जाकर उसे वो घना जंगल लगता है और उसके कंधे पर वही चिड़िया आकर बैठती है। दिशा गुस्से से उस चिड़िया को पकड़कर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। चिड़िया उससे कहती है, घमंडी लड़की, तूने मुझे जख्मी क्यों किया? मैं यहाँ तुम्हें जख्मी करने या तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। ऐसा कह के दिशा आगे चली जाती है। अब उसे पहाड़ी पर वो झोपड़ी दिखाई देती है। वो जल्दी जल्दी में उस झोपड़ी के पास जाती है और दादी को आवाज देती है, दादी, ओ दादी, कहाँ हो आप? अब दादी झोपड़ी से बाहर आती है और उसे देखकर बोलती है, कौन हो तुम बेटी? मैं राधा की बहन हूँ दादी, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। अरे तुम राधा की बहन हो, आओ अंदर आओ। नहीं दादी, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ। अरे राधा ने मेरे घर के सारे काम किए थे। मुझे वो सारे काम नहीं आते, मुझे सिर्फ सोना चाहिए। आप मुझे जल्दी से सोना दे दो, मुझे मेरे माँ के पास भी जाना है। तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ और इस झरने के नीचे खड़ी रहो। दादी जैसे कहती है वैसा ही दिशा करती है और झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी झरने का पानी दिशा के शरीर पर पड़ने लगता है और दिशा का रंग पूरा काला हो जाता है। अब वो उसका रंग देखकर दादी से बोलती है, दादी झरने के पानी से मेरा रंग काला क्यों हो गया? मुझे सोना चाहिए, ये काला रंग नहीं। जिसका मन जैसा, ये झरना उसको वैसा ही फल देता है। राधा का मन साफ था, इसलिए उसको सोना मिला। और तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रहती हो, इसलिए तुम्हें इस जादुई झरने ने काला रंग दिया है। अब ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम चाहो तो इस झरने से घर जा सकती हो। अब दिशा रोते हुए अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचते ही अपने माँ से कहती है, माँ देखो, उस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। कौन हो तुम और ये दिशा जैसी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे माँ, मैं दिशा ही हूँ, मेरा रंग काला हो गया है उस दुनिया में जाके। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कलमू ही राधा तो इतना सोना लेकर आई और तुम ये काला रंग लेकर आई हो। अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? जी माँ, आपने बुलाया? तूने मेरी दिशा को झूठ मूठ का बताया था ना? नहीं माँ, मैंने तो सही सही बताया था। ये ऐसा कैसे हुआ मुझे नहीं पता। अब रजनी उसकी बेटी के साथ ऐसा होने के बाद राधा से और बुरा व्यवहार करने लगी। वो अब दिन रात राधा से काम करवाने लगी। राधा का सारा सोना उसने अपने पास रख लिया और राधा को रोज परेशान करने लगी। ऐसे ही एक दिन राधा उस दुनिया के वो सुनहरे पल याद कर रो रही थी। उसे वो गाय, वो पंछी और दादी, इन सब की याद आ रही थी। राधा को उस राजकुमार की भी बहुत याद आ रही थी। अब राधा ने तय किया कि उसे उस दुनिया में वापस जाना है। राधा ने उस गाय को आवाज दी, हे जादुई गाय, क्या तुम सुन सकती हो? मुझे यहाँ से ले जाओ। अब वो जादुई गाय वहाँ आ जाती है और तभी, क्या हुआ है बेटी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या आप मुझे आपकी दुनिया में ले जा सकती हो हमेशा के लिए? हाँ बेटी, ले जा सकती हूँ। चलो चलते हैं, तुम मेरी पीठ पर बैठो, हम वहाँ चले जाएंगे। राधा उस गाय की पीठ पर बैठकर उस जादुई दुनिया में वापस चली जाती है। अब गाय उसे उस जंगल में लेकर जाती है। वो जंगल एक बड़े नगर में परिवर्तित हो गया था। उसके बाद गाय उसे पहाड़ी पर लेकर जाती है, जहाँ बूढ़ी दादी रहती थी। अब उस दादी की झोपड़ी की जगह एक बड़ा राजमहल था और वो दादी वहाँ की महारानी थी। दादी, ये सब ऐसा कैसे हो गया? राधा, ये एक बहुत बड़ा नगर है जहाँ हम सब रहते हैं। जब कोई अनजान आता है तो उसके लिए ये जंगल बन जाता है। क्या हुआ राधा, तुम ऐसे अचानक यहाँ कैसे आई? मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा आप ही के पास रहूँ। मेरे बाबा जाने के बाद आप ही ने मुझे इतना प्यार किया है, आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है, इसी वजह से मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। ठीक है,
तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो राधा। तुम्हारा अच्छा स्वभाव हमें बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे राजकुमार से शादी कर लो और हमेशा के लिए इस राज्य में राज करो। मगर मैं कैसे दादी? क्यों, तुम्हें पिछली बार राजकुमार पसंद आया था ना? वो राजकुमार मेरा पुत्र है, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी? हाँ। दादी अपने पुत्र को राधा से मिलाती है और उस राजकुमार को भी राधा देखते ही पसंद आ जाती है। अब उन दोनों की शादी धूमधाम से होती है और राधा उस नगर की महारानी बन जाती है और खुशी खुशी उस राज्य में अपना जीवन व्यतीत करती है।